अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप यू आर फाइन। टुडे वी स्टार्ट मैथ्स वर्क ऑफ ग्रेड 3। आवर टॉपिक इज टाइम। लेट अस प्रैक्टिस। फिलिंग द ब्लैंक्स इज गिवन हेयर। रेहान इज स्टिल स्लीपिंग। एक क्लॉक गिवन है, इस पर टाइम मेंशन है 6:50 हुए हैं। इस पर 7 o'clock में अभी 10 मिनट्स रहते हैं। और हैंड अभी 7 और 6 के सेंटर में है, और शॉर्ट हैंड मिनट हैंड 10 पे 50 मिनट्स होते हैं। 6:50 हुए हैं, 7 o'clock में भी 10 मिनट्स रहते हैं। रेहान इज़ स्टिल स्लीपिंग। हिज अलार्म क्लॉक विल रिंग इन 10 मिनट्स। 10 मिनट्स जब गुजर जाएंगे तो वो उसका अलार्म क्लॉक रिंग करेगा। वट टाइम विल इट बी, वो टाइम क्या होगा? जब ये 10 मिनट्स पास हो जाएंगे तो मिनट हैंड जब भी 12 पर होती है तो एग्जैक्ट क्लॉक ओ क्लॉक बजा रही होती है, तो यहाँ पे 7 o'clock हो जाएंगे। आंसर इज 7 o'clock। रेहान मस्ट बी इन स्कूल बाय 8:15 AM। रेहान ने 8:15 AM मॉर्निंग का टाइम होता है, उस टाइम मस्ट स्कूल पहुँचना है। हाउ मच टाइम विल ही हैव आफ्टर ही वेक्स अप टू गेट रेडी। उसका उसको कितना टाइम लगेगा उठने के बाद वो रेडी होगा एंड वॉक टू स्कूल, और स्कूल वॉक करके जाएगा तो टोटल कितना टाइम लगेगा? 7 बजे उठा है, 7 o'clock पर उठा है, और उसने 8:15 तक स्कूल पहुंचना है। तो 7 o'clock के बाद 8 o'clock 1 hour, 8 o'clock के बाद 8 से 15 हो तो 8 o'clock जब होगा उसके बाद 15 मिनट्स और उसमें ऐड करें तो 8 1 hour 15 मिनट्स। टोटल उसे 1 hour 15 मिनट्स लगेंगे स्कूल पहुँचने के लिए। कंप्लीट ऑल क्वेश्चंस केयरफुली। नेक्स्ट टॉपिक इज थिंकिंग इन फाइव्स। क्लॉक में 5 5 का डिस्टेंस होता है, 5 का टेबल होता है। द क्लॉक फेस इज डिवाइडेड इनटू 12 इक्वल यूनिट्स कॉल्ड ऑर्स। ये 12 इक्वल यूनिट्स में डिवाइड किया हुआ है इनको, इनको कहते हैं ऑर्स। 1 से 2 1 hour, यहाँ से यहाँ तक 2 hours, 3 से 4 तक 4 hours, 5 hours, 6 hours, 7 hours, और ईच जो यूनिट है उसके 12 और 1 के सेंटर में जो डिस्टेंस है वो 5 मिनट्स का है। 5 5 मिनट्स का काउंट करें तो ये टोटल 12 तक 60 मिनट्स होते हैं। वी डिवाइड 60 मिनट्स इंटू 12 ग्रुप्स ऑफ 5 मिनट्स ईच। 1 hour में अगर 1 o'clock हुए तो 1 o'clock में 60 मिनट्स हो, 2 o'clock होने में 60 मिनट्स लगेंगे, तो फिर वो नेक्स्ट आवर होगा। लेट अस प्रैक्टिस। लेट अस थिंक ऑफ अ क्लॉक फेस एज समथिंग वी कैन स्लाइस अप लाइक अ केक। केक की तरह इसको स्लाइसिस में किया हुआ है। हाउ मेनी मिनट्स इन ईच ऑफ दीज स्लाइसिस। थिंक इन ग्रुप्स ऑफ 5 मिनट्स ईच। 5 मिनट्स ईच, 2 जो यूनिट है उनके सेंटर में 5 5 मिनट्स का डिस्टेंस है। 5 का टेबल भी कह सकते हैं इसमें। फर्स्ट ए पार्ट मिनट्स इन द शेडिड पार्ट। शेडिड पार्ट कितना मिनट्स हैं ये? 12 से 1 5 मिनट्स, 1 से 2 10 मिनट्स, और 2 से 3 तक 15 मिनट्स। ये शेडिड पार्ट 15 मिनट्स है। मिनट्स इन द अनशेडिड पार्ट, इसी ए पार्ट में देखना है कि अनशेडिड पार्ट में कितने मिनट्स हैं। 3 से 4 तक 5 मिनट्स, 4 से 5 तक 10 मिनट्स, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। ये जो अनशेडिड पार्ट है इसमें 45 मिनट्स हैं। पार्ट बी, पार्ट बी में जो शेडिड पार्ट है वो 11 से 12 5 मिनट्स हैं। अनशेडिड पार्ट में 12 से आगे देखें, 12 से 1 5 मिनट्स, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55। अनशेडिड पार्ट हैज़ 55 मिनट्स। सिमिलरली नेक्स्ट शेडिड पार्ट में 20 मिनट्स हैं और अनशेडिड पार्ट में 40 मिनट्स हैं। डी पार्ट में हाफ डिवाइड हुआ है तो हाफ शेडिड है हाफ अनशेडिड है। हाफ हैज़ 30 मिनट और हाफ 30 मिनट्स हैं अनशेडिड पार्ट में। इन सबको जब आप टोटल करेंगे तो वो 60 मिनट्स बनेंगे। शेडिड प्लस अनशेडिड इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 hour है 60 मिनट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज रीडिंग टाइम। पास्ट द आर टू द आर।
एक क्लॉक है, उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। 12 से 6 तक जो राइट साइड पे इसका जब भी मिनट हैंड, जो लॉन्ग हैंड भी कहते हैं जिसे, वो अगर इस साइड पे होगी, राइट साइड पे 12 से 6 के सेंटर में, तो उसको आप कहेंगे पास्ट द आवर, कि कोई भी घंटा या कोई टाइम जो वो पास्ट हो गया, गुजर गया। अगर मिनट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे होगी, यहाँ से यहाँ तक 6 से 12 तक, तो उसको कहेंगे टू द आवर, कि घंटा जो है वो नेक्स्ट आवर होने में इतना टाइम रहता है। रिमेंबर फॉर ईच हाफ वी हैव टू डिफरेंट वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग टाइम। डिफरेंट वेज है इसको, क्वार्टर में ये हाफ है, अगर राइट साइड पे 15 मिनट्स पास्ट होंगे तो उसको कहेंगे क्वार्टर पास्ट। अभी इधर यहाँ पे और हैंड 11 पे थी, तो क्वार्टर पास्ट 11, या 11:15 भी कह सकते हैं फिगर्स में। यहाँ पे मिनट हैंड लेफ्ट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे क्वार्टर मिनट्स रहते हैं नेक्स्ट आवर होने में, तो इसको कहेंगे क्वार्टर टू 11। 11 o'clock में अभी क्वार्टर मिनट्स रहते हैं, 15 मिनट्स रहते हैं। और वर्ड्स में फिगर्स में से राइट करेंगे 10:45। रिमेंबर दिस, 1 आवर है 60 मिनट। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 60 मिनट पास्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट आवर हो जाता है, फिर नेक्स्ट, इस तरह ईच आवर है 60 मिनट। नाउ लुक एट दिस क्लॉक, इसको हाफ में डिवाइड किया हुआ है, और शॉर्ट हैंड इज और हैंड जो है 1 और 2 के सेंटर में, 1 पे ही है, और मिनट हैंड इज़ एट 7। जब भी मिनट हैंड लेफ़्ट साइड पे होता है तो टू द आवर्स राइट करते हैं। यहाँ पे अभी 2 o'clock होने में कितने मिनट्स रहते हैं, तो 1 आवर है 60 मिनट। 60 मिनट्स में से यहाँ 7 पे, तो 7 पे 7 5 35, 60 में से 35 को माइनस करेंगे, आंसर इज़ 25। 25 मिनट्स रहते हैं 2 o'clock में। फिगर्स में राइट करेंगे 1:35, और हैंड 1 पे थी तो 1, और 35, 7 पे 35 मिनट्स होते हैं, 1:35 फिगर्स में राइट करेंगे। वर्ड्स में राइट करने के लिए 60 से जब माइनस किया था तो 25 रह गया था, 25 मिनट्स टू 2, 2 o'clock में अभी 25 मिनट्स रहते हैं। नाउ लुक एट दिस क्लॉक, इट हैज़ और हैंड एट 6 एंड मिनट हैंड एट 2। 2 पे है तो 10 मिनट्स हुए हैं, 6 आवर्स 10 मिनट्स, 6 आवर्स 10 मिनट्स हुए हैं, और ये पास्ट के टाइम है, मिनट हैंड जो है वो पास्ट वाले पोर्शन में है। तो आपने वर्ड्स में राइट करने के लिए 10 मिनट्स 10 मिनट्स पास्ट 6, 6 आवर होके 10 मिनट्स पास्ट हो गए, गुजर गए। देर आर डिफरेंट क्लॉक्स गिवन हेयर एंड टाइम मेंशन इन वर्ड्स एंड फिगर्स, रीड दिस टाइम्स केयरफुली, इनको अच्छी तरह पढ़ें। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ टाइम, कन्वर्जन ऑफ डेज एंड आवर्स। डेज और आवर्स को कन्वर्ट करना है। 1 day हैज़ 24 आवर्स, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। 2 days, 2 days में करने के लिए क्या करेंगे, 1 day में 24 आवर्स हैं, तो 2 days के लिए 2 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज़ 48 आवर्स। मल्टीप्लाई करना है आपने वर्टिकली राइट करके। 4 days हैज़ 96 आवर्स, 10 days हैव 240 आवर्स, 12 days हैव 288 आवर्स। कन्वर्जन ऑफ आवर्स एंड मिनट्स, अब यहाँ पे आवर्स को और मिनट्स को चेंज करना है। 1 आवर हैज़ 60 मिनट्स, एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो अब अगर 1 आवर इज़ इक्वल टू 60 मिनट्स है, और डिफरेंट क्वेश्चन गिवन है जिसमें आवर्स भी गिवन है और मिनट्स भी गिवन है, तो इसको आंसर में जस्ट मिनट्स में करना है कन्वर्ट। तो आप आवर्स वाले को पहले मिनट्स में चेंज करेंगे, और जो मिनट्स गिवन है उसमें ऐड करना है। 1 आवर, 1 आवर में 1 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 60 इज 60, 60 में जो 10 मिनट्स हैं उसको प्लस करना है, 60 प्लस 10 70 मिनट्स। 2 आवर्स 15 मिनट्स, 2 आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं, 1 आवर में 60 होते हैं, तो 2 आवर्स में 2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज़ 120। 120 में जो 15 मिनट्स हैं उसको प्लस करेंगे, 120 प्लस 15 इज़ 135 मिनट्स।
4 आवर्स 45 मिनट्स हैं, तो 4 आवर्स में कितने मिनट्स होंगे? 1 आवर हैज़ 60 मिनट्स, 4 मल्टीप्लाई 60 इज़ 240, 240 प्लस 45 इज़ 285 मिनट्स। मिनट्स की शॉर्ट फॉर्म इज़ MIN, मिन, आवर्स की शॉर्ट फॉर्म HR, या सिंपल H भी राइट करते हैं इसमें। स्टूडेंट यू हैव टू कंप्लीट एक्सरसाइज 6 ए फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर बुक, एंड डू क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 पार्ट ए बी डी एफ, एंड क्वेश्चन 11 पार्ट ए बी डी एंड एफ ऑन योर नोटबुक। 8 से 11 तक सारे क्वेश्चन आपने कॉपी पर करने हैं। यहाँ पे क्लॉक फेसेस ड्रॉ करनी है क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन 9 में आपने टाइम बताना है वर्ड्स में और फिगर्स में, और नेक्स्ट में भी मिनट्स में टाइम मेंशन करना है। नाउ लुक एट वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ टाइम। राइट कंप्लीट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के क्वेश्चन हैं, इसको अच्छी तरह रीड करें और इनको अपनी कॉपी पर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज यूसुफ बैटेड फॉर 4 आवर्स 45 मिनट्स इन अ मैच। हाउ मैनी मिनट्स डिड ही बैट फॉर? 4 आवर्स 45 मिनट्स का मैच किया है, उसमें उसने कितनी देर मिनट्स में बताना है, जस्ट टाइम आपने। तो टोटल इज इक्वल टू 4 आवर्स 45 मिनट्स। टोटल मिनट्स कितने स्पेंड किए? 4 आवर्स थे, तो 4 मल्टीप्लाई 60 इज़ 240। 240 प्लस 45 प्लस करेंगे तो आंसर इज़ 285 मिनट्स। मिनट्स में आंसर आ जाएगा 285। डू क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ऑन योर नोटबुक। अल्लाह हाफिज़।